रविवार को जंघई रेलवे स्टेशन से प्रतापगढ़ मेटी होते हुए गौरीगंज तक लोको पायलट इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाया गया। आपको बता दें, इसके पहले भी शनिवार को प्रतापगढ़ तक इंजन दौड़ाया गया था। जंघई से रविवार को देर शाम चला यह इंजन पुनः वापस लौट कर देर रात तक जंघई पहुंच गया। इन स्टेशन के बीच कई वर्षों से इलेक्ट्रिक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। आपको यह भी बता दें, वाराणसी प्रतापगढ़ रेलवे रूट पर स्थित जंघई रेलवे स्टेशन से प्रतापगढ़ अमेठी होते हुए गौरीगंज उतरेठिया स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक लाइन पर तार बिछाने का काम 2 साल पहले प्रारंभ हुआ था और इसका बजट 300 करोड़ रुपए से प्रारंभ हुआ था। जौनपुर से बीबीसी रिपोर्टर विभास यादव की ये रिपोर्ट।